तो यार नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश सिंह एक बार फिर आप सभी का यार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल फ्रेंड टेक्निकल विन मस्ती मुके। तो बस यार वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो यार मैं आप सभी को दो एप्लीकेशन बताऊंगा, दोनों की रेफर बाईपास बताऊंगा, ठीक है। बस यार वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो मिनिमम विड्रॉल भी बहुत कम है और पेमेंट भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है, और एक एप्लीकेशन है जो आप लोगों को इंस्टेंट पेमेंट दे देती है, ठीक है। बस यार वीडियो पर लास्ट तक रहना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यार, ओके। और जिन लोगों ने अभी तक यार टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, जाओ यार सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यार जो कुछ भी अपडेट होता है सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, ओके। और अगर बाय नहीं कभी कभार टेलीग्राम की लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है वो काम नहीं करती है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे टेक्निकल फ्रेंड सर्च कर लेना। जैसे आप लोग सर्च करोगे, ठीक है, आप लोगों को नंबर वन पे मेरा चैनल मिल जाएगा जिसमें 1.9K मेंबर्स हो चुके हैं। तो आप लोग भी जाओ, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि गाइस जो कुछ भी प्रूफ होते हैं, जैसे कोई भी प्रूफ है वो अभी जैसे मुझको नहीं रिसीव हुआ, ओके, वो मुझको बाद में रिसीव होता है तो मैं आप लोगों को वहाँ पे चैनल पे दे देता हूँ, और भी बाकी जो यूजर्स मुझको पेमेंट प्रूफ भेजते हैं सब कुछ आप लोगों को दे देता हूँ, ओके। तो चलो यार हम लोग बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक और अपडेट देना चाहूँगा कि कई भाई कल पूछ रहे थे कि थंडर कोर, ओके, थंडर कोर टीटी वाली मैंने कल आप लोगों को एप्लीकेशन दी थी जिसमें सभी लोगों ने टीटी की अर्निंग की, किसी ने 10 टीटी, किसी ने 20 टीटी करके, ठीक है। तो उस वीडियो को जिस लोगों ने नहीं देखा, जहाँ ऊपर आई बटन दिया है उसमें देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो आप लोगों को उसमें बता देता हूँ टीटी कब आप लोगों को क्या करना है। देखो आप लोग रेफर एंड अर्न वाले सिस्टम में आ जाना, ठीक है, थंडर हब के, थंडर कोर हब के रेफर एंड अर्न वाले सिस्टम में आ जाना। उसमें आप लोग देखोगे, ओके, तो आप लोगों की उसमें ऑटोमेटिक माइनिंग हो रही होगी, ठीक है। माइनिंग होने देना है आप लोगों को, और फिर क्लेम करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को बैक ऐप बंद कर देनी, फिर कुछ देर बाद आना है, घंटा दो घंटा बाद, फिर आप लोगों की कुछ ना कुछ माइनिंग हो जानी है, फिर आप लोगों को क्लेम कर लेना, ओके। ऐसे आप सभी को 20-20 कम से कम आप लोगों को टीटी कर लेने, 20-20 टीटी कर लेने। फिर आप लोगों को मैं एड्रेस दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप लोग मुझको सेंड कर देना टीटी, उसके बदले में मैं आप लोगों को वहाँ पे पेटीएम कैश दे दूंगा, ओके। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो चलो यार हम लोग आज की रेफर बाईपास को यार स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जिस एप्लीकेशन पे आए हैं और जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक को यार शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो आज मैं आप सभी को पहले जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है रिवॉर्ड पे, ओके। रिवॉर्ड पे एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखो जो कुछ भी मैं बताऊंगा आप लोगों को सब कुछ स्क्रीन पे शो होगा, तो बस यार वीडियो को लास्ट तक देखना, स्क्रीन पे देख देख के अच्छे से समझ लेना किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से रेफर बाईपास करना है, और किस तरीके से आप लोगों को उसमें विड्रॉल लगाना है, ठीक है। विड्रॉल लगाने की प्रोसेस में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके। तो गाइस देखो आप लोगों को सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आप लोग होम बटन पे आ जाओगे, ओके। होम बटन पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरे अभी 100 कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को वॉलेट में चल के दिखा देता हूँ, देखो मेरे यहाँ पे 100 कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखो आप लोगों को आ जाना है अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। प्रोफाइल पे आ जाने के बाद आप लोगों को रेफर एंड अर्न वाला सिस्टम दिख जाएगा, ओके। उस पर आप लोगों को सिंपल सा टैप कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग यार रेफर एंड अर्न वाले सिस्टम पर टैप करोगे, वहाँ पे आप लोगों का रेफर कोड दिख जाएगा, और वहाँ पे आप लोगों ने जितना जो रेफर किया होगा वो दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हो मेरा वहाँ पे बिल्कुल 0 रेफर पड़ा हुआ है, बिल्कुल न्यू आईडी मेरी हो कि बिल्कुल 0 रेफर पड़ा हुआ। आप लोग जैसे साइन अप करोगे आप लोगों को वहाँ पे 100 कॉइन मिल जाएगा फ्री फंड का साइन अप बोनस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो रेफर बाईपास करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे देखिए ऊपर साफ साफ लिखा है कि अगर आपका फ्रेंड आपके रेफर से ज्वाइन होता है, ठीक है, आप अगर किसी फ्रेंड को रेफर करते हो तो 500 कॉइन आपको मिलेंगे, 500 कॉइन आपके रेफर जिसको किया उसको मिलेंगे, उस फ्रेंड को, ठीक है। तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आप लोगों का रेफर कोड दिख जाएगा, मगर उससे पहले आप लोग स्क्रीन पे मेरे देख लो, बिल्कुल 0 रेफर, और मेरा यहाँ पे रिवॉर्ड में भी बिल्कुल 0-0 है, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोगों का जो रेफर कोड है कॉपी कर लेना, कॉपी कर लेने के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप पर आ जाना, ठीक है। व्हाट्सएप पर आने के बाद उसको पेस्ट कर देना, ठीक है, फिर से बताना कहीं और नहीं, व्हाट्सएप पर ही उसको पेस्ट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पर उसको पेस्ट कर दोगे, उसका रिवॉर्ड पे एप्लीकेशन जो उसको बैकग्राउंड से हटा देना है, ठीक है। जैसे आप लोग बैकग्राउंड से हटा रहे हो, बैकग्राउंड से हटाने के बाद आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है डू मल्टीपल स्पेस, ओके। डू मल्टीपल स्पेस आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अगर वहाँ से डाउनलोड करने का मन ना करे तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर आकर ले सकते हो, डू मल्टीपल स्पेस मैं आप लोगों को दे दूंगा इजिली, ओके। उसके बाद आप लोगों को डू मल्टीपल स्पेस में रिवॉर्ड पे एप्लीकेशन को ऐड कर लेना। देखो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि आप लोग इसमें इंस्टेंट पेमेंट कैसे लोगे, ठीक है, वीडियो को बस लास्ट तक देखना, ओके।
जैसे आप लोग रिवॉर्ड पे एप्लीकेशन टू मल्टीपल स्पेस में ऐड कर लोगों को, ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को उसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी समझ लो कि यही आप लोगों को मेन अकाउंट में भी करना है, ठीक है। तो आप लोगों को आप देखिएगा साइन इन विद गूगल हो कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक न्यू जीमेल आईडी बना लेनी है यूएसए नंबर की मदद से, ठीक है। आप लोग अनलिमिटेड जीमेल आईडी यूएसए नंबर की मदद से बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को एक न्यू जीमेल आईडी बना लेनी है यूएसए नंबर की मदद से, ठीक है। तो जैसे जीमेल आईडी बना लोगे उसके बाद आप लोगों को उसमें लाके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग उसमें लॉगिन कर लोगे आप लोगों के सामने मेन एक पेज कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मेन कुछ पेज ऐसा दिखने के बाद आप लोगों को फिर जाना है प्रोफाइल के ऑप्शन में, ठीक है। साइड में इधर से सबसे नीचे दिखेगा प्रोफाइल का ऑप्शन, ठीक है। प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद आप लोगों को वहाँ दिखेगा एडिट प्रोफाइल सेकेंड या थर्ड नंबर पर, ओके। आप लोग एडिट प्रोफाइल पर टैप करना है, वहाँ पे लिखा होगा मोबाइल नंबर, ओके। तो उसके सामने लिखा होगा वेरीफाई, वहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक न्यू मोबाइल नंबर लेना है। आप लोगों को मेन आईडी में भी अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, और जो आप लोग मेन आईडी में मोबाइल नंबर डालोगे के वो आपका पेटीएम नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो आप लोग मेन आईडी में डालोगे मोबाइल नंबर वो आपका पेटीएम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग डाल देना, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ वेरीफाई पर टैप कर तो आप लोगों के सामने एक ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा और आप लोगों के नंबर पे ओटीपी भेज दी जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग ओटीपी डाल दोगे, ठीक, ओटीपी डाल देने के बाद आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाने के बाद आप लोगों को उसी प्रोफाइल के ऑप्शन पर नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे नीचे लिखा होगा ऑप्शनल रेफरल कोड, ओके। लिखा होगा रेफरल कोड, वो ऑप्शनल होगा, ओके। अगर आप लोग रेफर कोड डालोगे अपने मेन आईडी में, ओके, तो आप लोगों को 500 कॉइन और मिल जाएंगे, टोटल आप लोगों को 600 कॉइन आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके। तो आप लोगों को जब मेन आईडी बनाओगे तो आप लोगों को मेरा रेफर कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ओके। तो वाला रेफर कोड जरूर से डाले रहे, क्योंकि रेफर कोड जब आप लोग डालोगे तभी आप लोगों को 500 कॉइन एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी आप लोगों को साइनअप बोनस 600 कॉइन मिल जाएंगे। ऊपर साफ साफ लिखा है कि अगर आप लोगों को 500 कॉइन चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे रेफर कोड डालना होगा, ओके। तो रेफर कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके डाल देना। जो कुछ भी बता रहा हूँ स्क्रीन पर शो रहा है तो आप लोग अच्छे से देख के समझ लो, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग फेक अकाउंट बनाओगे तो आप लोगों को वहाँ पे एक अपने मेन आईडी का रेफर कोड डाल देना, ठीक है। तो गाइस चलो मैं यहाँ पे अपने मेन आईडी का रेफर कोड डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेन आईडी का रेफर कोड डालूंगा, अप्लाई पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे कांग्रेट्स मुझको लिख के कुछ ऐसा आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद बूम गाइस देखो मेरे फेक आईडी में 600 कॉइन हो गए, क्यों, क्योंकि 100 कॉइन मुझको आप साइनअप बोनस मिला, 500 कॉइन मैंने रेफर कोड डाला इसलिए मिला, ओके। तो रेफर कोड मस्ट बाई मस्ट डाल देना, ओके। रेफर कोड डालोगे तभी आप लोगों को वहाँ पे 500 कॉइन एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का ये काम हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे अपने मेन अकाउंट में। मेन अकाउंट में चलने से पहले आप लोगों को उसको हटा देना है डू मल्टीपल स्पेस से, ओके। डू मल्टीपल स्पेस को आप लोगों को हटा देना है बैकग्राउंड से। उसके बाद आप लोगों को एक बार एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करना है, और एक बात खास बात आप लोगों को और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बताना चाहूँगा कि आप लोग इसको वाईफाई पर ट्राई मत करना, आप लोगों को ये इंटरनेट कनेक्शन के साथ ट्राई करना है, ठीक है। कई लोग वाईफाई कनेक्ट करके अनलिमिटेड ट्रिक अप्लाई करते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करने के बाद ही आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा, फिर आप लोग चलो मैं मेन आईडी में चलता हूँ, ठीक है। मेन आईडी में चलने के बाद बूम गाइस देखो यहाँ पे मेरा भी 100 कॉइन है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार बैक करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एक बार पहले एप्लीकेशन को हटा कर फिर से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस मेरा यहाँ पे 600 कॉइन हो चुका है, 600 कॉइन हो जाने के बाद हम लोग प्रोफाइल में चलेंगे, ओके। प्रोफाइल में चलने के बाद देखिए रेफर एंड अर्न में चलते हैं, रेफर एंड अर्न में चलने के बाद बूम गाइस देख सकते हैं मेरा एक रेफर हो चुका है और मुझको यहाँ पे 500 कॉइन यार मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, रेफर कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं विड्रॉ की। बस देखो आप लोगों को विड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को नीचे रिवॉर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। रिवॉर्ड का ऑप्शन पर टैप करोगे तो आप लोगों को फिर बहुत सारे वाउचर्स मिल जाएंगे, ओके। बहुत सारे आप लोगों को लेंस कार्ड के और इस टाइप से आप लोगों को बहुत सारे वाउचर मिल जाएंगे, ओके। उसमें आप लोगों को एक दिखेगा अमेज़न वाउचर, ओके। आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, ये हमेशा अमेज़न वाउचर नहीं रहता, कभी कभी आता है, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे वैलिड अभी नहीं अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन जब वो उस पर अवेलेबल होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो दिन में आता है, मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है अमेज़न वाउचर, ठीक है। आप लोगों का दिन में 10 से 11 बजे के बीच अमेज़न वाउचर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस ट्रिक को अप्लाई करना, ठीक है। 10 से 11 बजे के बीच आप लोगों का वाउचर आता है, कभी कभार शाम को भी 5 से 6 के बीच भी आ जाता है, ओके। कभी कभार 2-3 वाउचर दिन में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अपडेट कर दिया करूंगा टेलीग्राम पर कि कभी अमेज़न वाउचर आया, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को यहाँ पे अपने नए नए नंबर से आपको एक न्यू नंबर से एक रजिस्ट्रेशन करके जो रेफर कोड डालने की मैंने प्रोसेस बताई है आप लोगों को करनी, और अपने मेन आईडी का रेफर कोड डालते जाना है, और आप लोगों को ऐसे करते करते 10,000 कॉइन कर लेने, ठीक है। 10,000 कॉइन कर लोगे आप लोगों को, 10,000 कॉइन कर लोगे, 10,000 कॉइन का आपको पेटीएम कैश नहीं मिलेगा। देखो आप लोग रिवॉर्ड में आओगे जब आप लोगों का वहाँ पे अमेज़न का वाउचर आ जाएगा, ठीक है। सुबह 11 से 12 के बीच या फिर शाम को 5 से 6 बीच कुछ ऐसा दिन में एक बार आता है अमेज़न का वाउचर, ठीक है। तो आप लोगों को इस पर टैप करना और 10,000 कॉइन का आपको विड्रॉ लगा देना, और इंस्टेंट आप लोगों को वहाँ पे गिफ्ट कार्ड रिसीव हो जाएगा, गिफ्ट वाउचर यानी गिफ्ट वाला जो पिन होता है, ओके,
वो रिसीव हो जाएगा, उसको आप लोगों को कॉपी कर लेना, अपने अमेजोन में जाके गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाके उसको ऐड कर लेना, ठीक है। आप लोगों को इंस्टेंट का इंस्टेंट 100 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपया जब आप लोगों को रिसीव हो जाए, आप लोग टेलीग्राम बोर्ड पर आके मुझसे पूछ लेना कि भाई अमेजोन का मैं रुपया कैसे आपको पेटीएम में मैं ट्रांसफर करूँ, ओके। तो आपको मैं अमेजोन पे का अपने वॉलेट दे दूँगा, आप लोग अमेजोन पे में मेरे भेज देना, मैं आप लोगों को उसके बदले जो भी आप जितना रुपया मुझको अमेजोन पे में भेजोगे उतना ही रुपया मैं आप लोगों को पेटीएम वॉलेट में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक को समझ गए किस तरीके से अप्लाई करना है, तो जाओ जल्दी जल्दी अप्लाई करो इसको, लूटो, क्योंकि अमेजोन वाउचर कभी भी आ सकता है, इसका कोई दिन में टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है 11 से 12 और शाम को 5 से 6 के बीच आता ही आता है, ठीक है। तो यार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है पॉकेट चार्ज, ओके। आज मैं आप लोगों को पॉकेट चार्ज एप्लीकेशन की अनलिमिटेड रेफर बाईपास ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो पॉकेट चार्ज एप्लीकेशन में सबसे पहले आप लोगों को अपना बैलेंस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मेरा बैलेंस देख सकते हो, यहाँ पे मेरा बैलेंस जो यहाँ पे मेरा 16 रुपीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेरा बैलेंस देखो 16 रुपीज़ पड़ा है। हम लोग एक बार वॉलेट में चलते हैं, वॉलेट में चलेंगे देख लो मेरा यहाँ पे 16 रुपीज़ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। 1 रुपया मेरा यहाँ पे मेन वॉलेट में पड़ा है और बाकी मेरा 15 रेफरल वाले वॉलेट में पड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं रेफरल हिस्ट्री में, रेफरल हिस्ट्री में चलेंगे देखो मेरा यहाँ पे एक ही रेफर हुआ है, ठीक है। मैं आप लोग का क्योंकि सामने यहाँ पे दूसरा रेफर करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो रेफर बाईपास करने के लिए क्या करना है, देखो आप लोगों को बैक आ जाना है होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे आ जाएगा, 3 लाइन पे क्लिक करना है, 3 लाइन पे जैसे टैप करोगे आप लोग दिख जाएगा रेफर एंड अर्न, ओके। रेफर एंड अर्न पर टैप कर देना, रेफर एंड अर्न पर टैप करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा आपका रेफर कोड, उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। रेफर कोड आप लोग कॉपी कर लोगे, उसके बाद आप लोग फिर से वॉलेट में मेरे देख लूँ यहाँ पे मेरे 15 रुपीज़ पड़े हुए रेफर वाले में, ओके। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पॉकेट चार्ज एप्लीकेशन जिसको बैकग्राउंड से हटा देना है, ठीक है। बैकग्राउंड से हटा दोगे उसके बाद आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ऐप क्लोनर, ओके। ऐप क्लोनर एप्लीकेशन को ओपन करना, उसके बाद पॉकेट चार्ज एप्लीकेशन को उसमें कलर उसका चेंज कर देना, ठीक है। और अब आप लोग उसमें की सेटिंग समझ लो, आप लोगों को क्या क्या सेटिंग करनी है, ठीक है। उसमें आप लोगों को सबसे ऊपर दिख जाएगा आइडेंटिटी अलाउ, ओके, आइडेंटिटी चेंज, ओके। आप लोगों को उस पर चेंज करना है उसमें एंड्रॉयड आईडी, लेकिन उसमें जब रैंडम पूछेगा तो आप लोगों को रैंडमली हमेशा सेलेक्ट करना है, कस्टम कभी सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। उसमें आप लोगों को एंड्रॉयड आईडी, डिवाइस आईडी, और आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारी दिख जाएंगे वाईफाई मैक एड्रेस, ब्लूटूथ मैक एड्रेस, ओके। इस टाइप से आप लोगों को 2-3 चीज़ें दिख जाएंगी, आप लोगों को उसको चेंज कर देना, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये सारी सेटिंग आप लोगों को चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा प्राइवेसी ऑप्शन, प्राइवेसी ऑप्शन में जाओगे वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा इनगिनिटो कीबोर्ड, इनगिनिटो टैब, और वहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को हाइड मॉक लोकेशन, ये 3-4 ऑप्शन आप लोगों को इसमें भी इनेबल कर देने हैं, ठीक है। इनेबल कर लेने के बाद आप लोगों को उसका सिंपल सा जो है क्लोन बना लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लोन बना लेता हूँ, क्लोन बना लोगे उसके बाद आप लोगों को उसका कहेगा इंस्टॉल करने को, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को उसको ओपन करना है, जैसे आप लोग उसको ओपन करोगे आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, उसको आप लोगों को चेक मार्क करके आप लोगों को एग्री या एक्सेप्ट पर टैप कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग उस पर टैप करोगे आप लोगों के सामने नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ क्या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वहाँ पे पासवर्ड डालने को, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना और मेन आईडी का रेफर कोड डाल देना, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग मेन आईडी बनाना है तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफर कोड मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा रेफर कोड, वो डाल देना, क्योंकि आप लोगों को रेफर कोड डालने का 5 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। रेफर कोड डालने का आप लोगों को 5 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। तो आप लोग रेफर कोड मस्ट बाई मस्ट डाल ही देना, ठीक है। तो रेफर कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो वो डाल देना, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाओगे, ओके। और जब फेक अकाउंट बनाना है तो आप लोगों को अपने मेन आईडी का रेफर कोड डाल देना, ठीक है। आप लोग डाल दोगे उसके बाद आप लोगों को वेरीफाइड डिटेल पर टैप करना है, जैसे वेरीफाइड डिटेल पर टैप करोगे आप लोगों को वहां कहेगा ओटीपी डालने को, ठीक है। तो जब आप लोगों ने फेक नंबर डाला होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आप लोगों को उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई कर लेने के बाद आप लोगों को वहां पे आएगा जेंडर चूज करने को, उसके बाद नेम, लास्ट नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ चूज कर लेगा, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। वेरीफाई कर लोगे उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे 0 रुपीज़ दिखाएगा, ठीक है। आप लोग कहोगे कि भाई आपने कहा था रेफर कोड डालने का 5 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा वो बताता हूँ, उसकी भी एक ट्रिक है। उसके बाद आप लोगों को नीचे आ जाना, वहाँ पे दिखेगा ₹2, आप लोगों का अगर वहाँ लिखा होगा वेरीफाई कीजिए ईमेल, ओके। अगर आप लोग ईमेल वेरीफाई करोगे तो आप लोगों को 2 रुपीज़ मिलेगा, ओके। तो जो आप लोगों ने फेक जीमेल आईडी डाली होगी वहाँ पे आप लोगों को जाके ईमेल वेरीफाई कर लेना है और आप लोगों को वहाँ पे 2 रुपीज़ मिल जाएगा। वेरीफाई आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग वेरीफाई कर लोगे आप लोगों को वहाँ पे 2 रुपीज़ मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे आ जाना है अपने फेक वाले पॉकेट चार्ज में, उसमें आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखेगी अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी एप्लीकेशन दिखेगी, ठीक है। अनअकैडमी एप्लीकेशन को आप लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे आप लोगों को इंस्टॉल पर टैप करना है। इंस्टॉल पर टैप करने के बाद वो आप लोगों को प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे उसने मुझको कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उसको इंस्टॉल पर टैप करना है, जैसे इंस्टॉल पर टैप करोगे आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों को ओपन पर टैप करना है, जैसे ओपन पर टैप करोगे ऊपर से देखो मेरा नोटिफिकेशन पर मैसेज आ चुका है, 0.75 रुपीज़ मुझको वहाँ पर रिसीव हुआ, ठीक है।
पैसे सॉरी गाइस, यहाँ पे 0.75 पैसे मुझको रिसीव हुए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ फेक वाले में। अब आप लोगों का काम हो गया, आप लोगों का अन अकेडमी में कुछ नहीं करना, बस एक सेकंड के लिए ओपन करना है, फिर बैक कर देना, ठीक है। अब हम लोग फेक वाले में चलते हैं। तो बूम गाइस देखो, मुझको यहाँ पे 6 रुपीज़ मिला, ठीक है। यहाँ पे 6 रुपीज़ मुझको किस चीज़ का यार मिला। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हिस्ट्री वॉलेट में। वॉलेट में चलेंगे, देखो मुझको रेफर वाले में 6 रुपीज़ मिला, ठीक है। रेफर वाले में मुझको 6 रुपीज़ किस चीज़ का मिला, मैं आप लोगों का अगर रेफर हिस्ट्री में जाऊँ तो यहाँ पे देखो मुझको 5 रुपीज़ जो ना 5 रुपीज़ वो मुझको रेफर कोड डालने का मिला। वहाँ पे देख लो रेफरल कोड अप्लाई वाला जो ऑप्शन है नीचे, आप लोग देखो रेफरल कोड रेफरल रिवॉर्ड देख लो, आप लोगों को मुझको 5 रुपीज़ मिला क्योंकि मैंने वहाँ पर रेफर कोड डाला था, ठीक है। तो आप लोगों को अपने मेन आईडी में रेफर कोड जरूर डाल देना, जिससे आप लोगों को 5 रुपीज़ का बेनिफिट हो सके, ओके। उसके बाद आप लोगों का इतना काम हो जाएगा, बस आप लोगों को फेक वाली फेकर चार्ज एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है और आप लोगों को अपने मेन वाले में आ जाना है, ठीक है। मेन वाले में आने के बाद देखो यहाँ पे मेरा 16 रुपीज़ था और भूम गए, देखो मुझको यहाँ पे 5 रुपीज़ मिल चुका है, ओके। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे 23 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 23 रुपये हो चुके हैं यहाँ पे रेफरल वाले में, ठीक है। आप लोगों का पे 5 से 6 7 रुपये आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे देखो 16 रुपीज़ थे, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे 23 रुपये हो चुके हैं, ठीक। 23 रुपये हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो बनाया था अकाउंट, ओके, वो अकाउंट में आप लोगों को रेफरल में चल के दिखा देता हूँ कि मुझको यहाँ पे किस चीज़ का पे मिला है, 5 रुपीज़ 5 6 रुपीज़ जो भी मिला है मुझको किस चीज़ का मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझको यहाँ पे किस चीज़ का यहाँ पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे मुझको एक रेफर का यहाँ पे मिला है, ठीक है। रेफर का मुझको रुपया मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करो, सामने मैंने रेफर बाईपास करके दिखा, चलते हैं विड्रॉ की तरफ। विड्रॉ करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा रेडीम का ऑप्शन साइड में, रेडीम पर टैप करना है। वहाँ पे आप लोगों को इधर साइड दिखेगा रेडीम, ओके, रेडीम पर टैप करना है। रेडीम पर टैप करने के बाद आप लोगों का मिनिमम विड्रॉल 20 रुपये है। 20 रुपये पर टैप करोगे तो आप लोगों से कहेगा कि 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना मस्ट बाई मस्ट है। जब आप लोग 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे अपने मेन आईडी में तभी आप लोग विड्रॉ लगा पाओगे, ठीक है। 2 एप्लीकेशन को भी अपने मेन आईडी से इंस्टॉल कर लेना, फिर वहाँ पे विड्रॉ लगा देना 20 रुपये का, और आप लोगों को दिखाएगा कि आपका पेमेंट रिक्वेस्ट जो रिसीव कर लिया गया, आप लोगों को 72 घंटे के अंदर पेमेंट मिल जाएगी, ओके। आप लोगों को 72 घंटे नहीं, 24 से 48 घंटे के अंदर पेमेंट 100% मिल जाती है। पेमेंट प्रूफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जाओ फॉकेट चार्ज एप्लीकेशन को लूटो, ये एप्लीकेशन पेमेंट देती है, 100% पेमेंट देती है। बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाया, ओके, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की एप्लीकेशन है, ओके, लीजिएट एप्लीकेशन है, आप लोगों को पेमेंट 100% मिलेगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रेफर कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर से डाल देना सभी में रेफर कोड, जिससे आप लोगों को फायदा होगा दोनों एप्लीकेशन में, ओके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में, एक न्यू रेफर बाय बाय स्ट्रिक, एक न्यू स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए यार गुड बाय।